ये मैं। तूने तूने आज दादी आपको भी गलत फहमी हो रही, आप तो जानते हैं ना कि राज कितने सच्चे और सीधे, तो फिर आप ऐसे कैसे समझ सकती है। दादी प्लीज आप अभी को समझाइए, आप ही समझाइए इसे कि राज अपने परिवार के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अभी से करना तो बहुत दूर की बात है। अभी को कोई गलत फहमी हुई दादी? अभी कोई गलत फहमी नहीं, अभी सारा सच सामने आ चुका है। इनफैक्ट ये सिर्फ घर की बात नहीं है, ऑफिस की भी बात। मैं खुद सब कुछ चेक करके आ राज भैया के कैबिनेट में मैंने पेपर्स देखे जिसपे अभी का गलत सिग्नेचर था, और उससे साफ पता चलता है कि अभी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे, सारा पैसा अपने नाम करने की कोशिश कर। अभी मैंने खुद चेक करा इनके कैबिन में, इनके लैपटॉप में सारी डिटेल्स तक थी। अब जब सारा सच सबके सामने आ चुका है इतनी मुश्किलों के बाद, तो आप पर्दा डालने की क्यों कोशिश कर रही? जहां तक प्रगति पे हमले का सवाल है, मुझे लगता है कि उसमें भी राज भैया का ही हाथ है। कि अगर देखा जाए तो प्रगति के आने से पहले राज भैया ये सारे फ्रॉड कर रहे थे। प्रगति के आने के बाद क्योंकि सारी प्रॉपर्टी प्रगति के नाम हो गई, तो राज भैया फ्रॉड नहीं कर पाए, उनके पास कोई पैसा भी नहीं था। प्रगति को अपने रास्ते से हटाने के लिए मुझे लगता है राज भैया ने ये सब किया। राज कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, वो कितने ऑनेस्ट हैं, अपने उसूलों के पक्के हैं, हर कोई जानता है, तो फिर राज ऐसा कैसे कर सकते? तुम्हें कुछ धोखा हुआ है राज? राज बोलो ना, तुम चुप क्यों हो राज? सबको बताओ कि तुमने ये सब नहीं किया है। राज तुम्हें याद है तुम जब गवर्नमेंट जॉब में थे, पता है मैं ही नहीं कहती रहती थी कि थोड़ी सी पैसों की हेरा फेरी तो कर सकते हो ना, लेकिन उन्होंने कभी मेरी बात नहीं मानी, हमेशा मुझे डांट देते, मिताली मैं ये नहीं कर सकता। तो फिर इतना बड़ा कांड ये राज कैसे कर सकते हैं? हाँ नहीं बोलो ना राज, राज बोलो ना, तुम चुप क्यों हो राज? तुम बोलो प्लीज। देखो तुम इन लोगों की गलतफहमी दूर करो, मैं तुम्हें ना वापस से खोना नहीं चाहती राज, प्लीज। ये जो इल्जाम लगा रहे ना तुम पर, तुम इसे झूठा साबित कर दो, प्लीज कुछ बोलो, प्लीज बोलो। ये सच कह रहा है, सच कह रहा है। मैंने ही आलिया के साथ में मिलकर के अभी को बर्बाद करने की कोशिश की।